सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम एलएल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज काफी दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो मार्च का जो अभी मंथ चल रहा है, ये थोड़ा सा मैं बिजी रहूंगा इस मंथ में, सो दैट मैं वीडियो कम बना पाऊंगा क्योंकि मेरा बाहर का काम ज्यादा रह रहा है। तो वैसे भी ये ईयर की क्लोजिंग होती है, तो इसी वजह से मैं काम नहीं कर रहा हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और मेरे को ज़्यादातर आउट ऑफ टाउन रहना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से कि मैंने चार पाँच दिन हो गए मैंने वीडियो कोई डाली नहीं। लास्ट वीब्रो की जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो नहीं कर पाऊँगा, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी वीडियो आपको थोड़ी सी कम मिले, तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांगता हूँ। और प्लीज़ साथ मत छोड़ना, मैं आपके साथ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन रेगुलर वीडियो मैं कर दूंगा। तो काफ़ी कुछ हैपनिंग हो गई है इस दुनिया में, कुछ बहुत कुछ चेंज हो गया है। इमरान डू के जो उसने वापस ले लिया है अपना धरने का, कहता मैंने धरना करना ही नहीं है और अब भागता फिरता है। मैं थोड़ा बहुत इन टच रह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन टच रहूँ पाकिस्तान के साथ, और वहाँ पे अब उसने ये भी कह दिया कि मेरा वो है, क्या कहते हैं कि जेल भी नहीं जा रहा है। कल परसों मैं देख रहा था कि उसको लेने के लिए आ रहे थे, कोर्ट के ऑर्डर नहीं मान रहा, तो ये सब कांड वहाँ पे चल रहे हैं। और इसी में एक मेरे को खबर ये भी मिलने को मिली है कि तुर्की ने वहाँ पे जाके फिर भौंका है उन्होंने कश्मीर के ऊपर। तो मैंने आपको शायद याद होगा, मैंने आज से जब तुर्की का पहले हमने एड भेजनी शुरू की थी, आपको वीडियो जो पुराने व्यूअर्स को याद होगा, मैंने बोला था कि मैंने उस पर टाइटल भी लिखा हुआ, अगर आप ढूंढोगे ना जाके तो मैंने लिखा होगा मैं तुर्की पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, मुझे तुर्की में विश्वास नहीं है, लेकिन ये चाणक्य नीति के जरिए यहाँ से सामान भेजा गया और लोगों ने भर भर के अम्बेसी हैं उनके तुर्की के अम्बेसी के आगे भेजा और टर्की ने कहा था बस भाई बस, दोस्त नाम का जो भी चलाया था, तो वही कांड कर दिया। तो मैं, आपने मेरे को पता है कि मैं वर्ल्ड अफेयर की वीडियो लेके आया हूँ, डिड टर्की बैक स्टैप इंडिया इन UN, नो वट एक्चुअली हैपन्ड। ठीक है, तो ये आपने देख ली होगी प्रशांत धवन सर की ये वीडियो, वर्ल्ड अफेयर की वीडियो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वर्ल्ड अफेयर को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कंग्रेचुलेशन वर्ल्ड अफेयर को, उनके 3 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक है प्रशांत धवन सर को। चलिए, आपने देख ली होगी लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करके दिखाना चाहता हूँ कि आप भी देखो मेरे साथ वीडियो, तो एंड में मैं इस पर बात करूंगा क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैंने पहले जो आपने वीडियो देखनी है तो देख सकते हैं, आपको थंबनेल मिल जाएगा, उस पर लिखा होगा कि मैं टर्की पे विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो विश्वास तो मैं करता ही नहीं हूँ। तो चलिए इस वीडियो में मिलके देखते हैं। आपने वीडियो देख लिया लेकिन प्लीज़ आपके भाई का थोड़ा सा ख्याल रखिए, पूरी वीडियो देखिए और जो नए लोग हैं वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ सके, मैं और आगे से काम कर सकूँ। तो बाकी एंड में बात करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स, आई एम प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक पर बहुत से आर्टिकल देखे होंगे कि जी टर्की ने भारत को बैक स्टैप कर दिया, मतलब कि बिल्कुल पीठ पर चाकू दे मारा। और यहाँ पे देखोगे आप बहुत से आर्टिकल्स कह रहे हैं कि टर्की बैक स्टैप्स दोस्त। यहाँ पे स्पेशली इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इंडिया में इस बात को लेकर सरप्राइज है कि ऑपरेशन दोस्त अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है, उसके अंडर हमने टर्की की बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। इमेजेस वीडियो सही हम देख सकते हैं कि टर्की के लोगों पर क्या इम्पैक्ट हुआ था इंडियन असिस्टेंस का। इंडिया ने टर्की में हॉस्पिटल्स रन किए, यहाँ पे लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करी, हर तरफ से टर्की को हेल्प करने की कोशिश करी और टर्की के आम नागरिकों ने भारतीय सेना की तरफ, NDRF की तरफ अपनी अफेक्शन भी दिखाई। और अभी भी आप देखो तो टर्की में न्यूज आती है कि लगातार कभी 6 मैग्नीट्यूड कभी 5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक लगातार आ रहे हैं। अर्थक्वेक अभी भी टर्की में रुके नहीं है और टोटल जो मृतकों का आंकड़ा है टर्की में ये 45,000 क्रॉस कर चुका है। ये सब चीजें हो रही थी। अब इसी बीच ना भारत में जो G20 की मीटिंग हुई है अभी विदेश मंत्रियों की, वहां पे डॉक्टर एस जयशंकर ने एक स्पेशल जेस्चर ये दिखाया कि सारे विदेश मंत्रियों को, G20 कंट्रीज के विदेश मंत्रियों को ये कहा कि 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, हम रिस्पेक्ट देंगे उन मृतकों को जिन्होंने जान गंवाई है टर्की के अर्थक्वेक्स में।
भारत का, टर्की के मीडिया ने भी इसको कवर किया था, तो इसलिए देखिए भारत में सरप्राइज है कि कल परसों की तो बात है, अभी इतनी जल्दी भूल गए, आई मीन हमें पता रहा भूलोगे, 6 महीने साल कुछ टाइम लगेगा, बट विद इन डेज इतना सारा कम टाइम लगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टर्की ने हाल ही में यूएन में कहा क्या है इन डिटेल, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने नए सैंक्शन लगा दिए ईरान पर, कुछ जो 1-2% उम्मीद थी कि जैसे बाकी कंट्रीज सेम ऑयल परचेज कर रहे हैं, हो सकता है कि ईरान से भी परचेज करे, सारी उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ईरान पर लग चुके हैं फ्रेश सैंक्शंस। बताओ किस कंट्री ने लगाए हैं ये सैंक्शंस? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूके, इंडिया, यूएसए या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो देखिए, टर्की की जो स्टेटमेंट्स है ये यूएन के जनरल असेंबली या फिर सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं दी गई, ये दी गई थी यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, ठीक है। तो ये मंच काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर पहले तो पाकिस्तान ने ऑब्वियसली कश्मीर का मुद्दा उठाया, प्रोपेगेंडा किया इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया ने जवाब दिया और ये काफी हद तक एक्सपेक्टेड था, पाकिस्तान से ही एक्सपेक्टेड था। टर्की ने फिर उसके बाद ये कहा कि देखिए मुस्लिम्स को जहां जहां प्रॉब्लम है दुनिया में, वो सारी जो कंट्रीज हैं उनका इश्यू हम रेस कर रहे हैं। इन्होंने फिलिस्तीन इसराइल की बात करी, चाइना की बात करी, ये कहा कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से चाइना की कंप्लीट हम इज्जत करते हैं, मगर जो उइगुर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है बहुत गलत है। फिर उसके बाद ये आते हैं कश्मीर पे और कहते हैं कि कश्मीर का पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए हमको। ये मैं चाहता हूँ इनकी जो क्लिप है ये आप देखिए। Establishment of an independent sovereign Palestinian state based on 1967 borders with East Jerusalem as capital is the only way for a just and sustainable peace. While respecting China's sovereignty and territorial integrity, we attach importance to the protection of the rights and freedoms of the Uyghur Turks and other Muslim minorities. It is important that recommendations of High Commissioner for Human Rights be implemented. Turkey wishes a peaceful resolution of situation in Jammu Kashmir on the basis of UN Security Council resolutions. We reiterate our call for restoration of democracy and improvement of the Rohingyas living conditions. Now, मुझे हमेशा अजीब लगता है कि चाइना का इतना इन्फ्लुएंस है कि ये उइगुर मुस्लिम्स के बारे में बोलते हुए भी इनको ये ऐड करना पड़ता है कि चाइना की इंटेग्रिटी और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए हम बात कर रहे हैं। कमाल का इन्फ्लुएंस है चाइना का। खैर, इंडिया की वैसे हम बात करें, आप कह सकते हैं कि कंपेयर टू लास्ट ईयर जो टर्की की स्टेटमेंट थी कश्मीर को लेकर, ये काफ़ी डाइल्यूटेड थी, काफ़ी अब ऐसा लग रहा था कि कमज़ोर सी है, कम इन्होंने अग्रेशन दिखाया इंडिया के प्रति। सिंपली ये कहा है कि हम चाहते हैं, हमारी विश है कि जो यूएन का रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से कश्मीर के इशू का समाधान होना चाहिए। नाउ आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये भी हमें बर्दाश्त नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत इन्होंने अपनी स्टेटमेंट को डाइल्यूट किया है, कम किया है, मगर आपको याद होगा कुछ ही हफ्तों पहले जर्मनी की विदेश मंत्री के साथ भारत का एक विवाद हो गया था। जर्मनी की जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ एक मंच पर खड़े होकर ये कह दिया था कि जर्मनी चाहता है कि जो यूएन का रोल है उसके हिसाब से, यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से जम्मू कश्मीर का सोल्यूशन निकालना चाहिए। अब इस बात को लेकर इंडिया की सरकार ने प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि जर्मन विदेश मंत्री की स्टेटमेंट गलत है, जो इनकी डिमांड है कि जी यूएन को बीच में लाओ जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट में, ये अपने आप पे इनजस्टिस का काम करता है टू टेरर विक्टिम्स ऑफ कश्मीर। उसके बाद जर्मनी को एक कदम पीछे लेना पड़ा, इनको आप कह लीजिए अपनी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करना पड़ा। इन्होंने बाद में ये भी कहा कि कश्मीर को लेकर जर्मनी का स्टांस कभी बदला नहीं है, कुछ खास नई पॉलिसी जर्मनी की नहीं आ गई है, तब जाके ये इश्यू ठंडा हुआ था। क्योंकि इंडिया का कहना ये है कि कश्मीर पहली बात तो एक इंटरनल मैटर है, अगर पाकिस्तान को कुछ डिस्प्यूट रेज करना है तो डायरेक्टली इंडिया से बात करेगा अंडर द शिमला एग्रीमेंट जिसको पाकिस्तान ने साइन किया था। यूएन का यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ये इंडिया और पाकिस्तान मिलकर रिजॉल्व कर सकते हैं ये इशू। तो टर्की के केस में ये कहना कि टर्की ने बैकस्टैब कर दिया इंडिया को, ये थोड़ी सी अतिशोक्ति होगी मैं कहूँगा। बैकस्टैब वर्ड थोड़ा ज़रा स्ट्रॉन्ग है, मगर डेफिनेटली टर्की को और इवन जर्मनी को भी ध्यान से स्टेटमेंट देनी चाहिए कश्मीर के इशू को लेकर, समझना चाहिए कि शिमला एग्रीमेंट क्या था और यूएन का कोई भी रोल नहीं है कश्मीर इशू के रेजोल्यूशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो टर्की समेत बाकी जो कुछ और कंट्रीज हैं उनको भी समझनी होगी। बाकी देखिए ऑपरेशन दोस्त की जो बात है, हमने ऑब्वियसली ये समझ के ये ऑपरेशन तो किया नहीं था कि टर्की कल को अपना स्टांस चेंज कर देगा,
ये ऑपरेशन था टर्की के आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए, इनोसेंट लोगों के लिए, जिनका जियोपॉलिटिक्स टर्की की सरकार से इतना कुछ खास रिलेशन है नहीं। जो हमने पीपल टू पीपल रिलेशन बनाए हैं टर्की के साथ, ये कई सालों तक कायम रहेंगे और पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में और ज़रा स्ट्रॉन्ग भी हो। तो ये अज्यूम मत कर लेना यहाँ पर कि जी ऑपरेशन दोस्त क्यों किया हमने जब टर्की ने बैक स्टैप करना ही था। दोनों चीज़ों को मिक्सअप मत करिएगा। हालांकि सोशल मीडिया पे इस पर काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, मगर दोनों चीज़ों को आप सेपरेट रखिए, दोनों को अलग तरीके से आप देखिए। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए हैं ईरान पर। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे आप देख पाओगे US हिट्स ईरान विद न्यू सैंक्शंस ऑन शिपिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज में है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और हाँ, फाइनली मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, हेल्प इस इशू को लेकर चाहिए कि काफ़ी बार देखिए मैं टॉपिक किस पर बनाऊँ किस पर ना बनाऊँ मैं डिसाइड नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप ज्वाइन कर पाओगे प्रशांत धवन सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये डेस्कटॉप और मोबाइल फ़ोन दोनों पे लिंक काम करेगा। और यहाँ पे देखिए इस टेलीग्राम चैनल पर ना मेरी सारी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और काफ़ी बार मैं आपसे यहाँ पर पूछ भी पाऊँगा कि ये टॉपिक्स हैं इनमें से किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वापस दिन में 3 वीडियोज आपके लिए लेके आऊँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए आपके ओपिनियन से मुझे सहायता मिलेगी चूज करने में कि किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एंड हेल्प वर्ल्ड अफेयर्स टू ग्रो मोर। और फॉर प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे हैवी डिस्काउंट, सिंपली जाइए गवर्नमेंट सीएससी के लिंक पर। यहाँ प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, फॉर द प्रीलिम्स ये भी आप कर सकते, कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्रेजेंट से बनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म, आप लोगों ने वीडियो देख ली है। सबसे पहले तो मैं आपसे लोगों से बात करना चाहता हूँ, जैसे कि जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं तुर्की पे विश्वास नहीं करता था। ये एक जैसे प्रशांत धवन सर ने कहा था कि हमने ये सोच के नहीं किया था, उसमें सारी बातें सोच के किया जाता है कि हमारे जियोपॉलिटिकल क्या है। हमें उनके जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनकी कंट्री से, वो उनकी सरकार से, क्योंकि ये नेशन टू नेशन रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ह्यूमन बीइंग का 1% हो, जैसे 10 चीज़ें हैं उसमें परसेंटेज कितनी किसकी वेटेज है उसके हिसाब से किया जाता है। वो अपनी अपनी सोच होती है, कई सोचेंगे कि हमने सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए किया है, कई सोचेंगे कि हमने जियो पोलिटिकल के लिए किया है, कई सोचेंगे कि हमने अपना पावर बढ़ाने के लिए वहाँ पे किया है, दुनिया को कोई देखेंगे कि हमने शो ऑफ करने के लिए, अलग अलग प्रोस्पेक्ट होते हैं। लेकिन क्योंकि मैं बहुत प्योर और बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचने वाला बंदा हूँ, मेरे को यार ये इन बातों से कोई नहीं होता है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ऊपर मेरा देश है, तो मैं उसी के हिसाब से सोचूंगा। तो मैं पहले भी विश्वास नहीं करता था, मैंने गवर्नमेंट के लिए स्टांस लिया था कि गवर्नमेंट ने इसलिए इस वजह, उसमें बहुत सारे सिनेरियो होंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मेरे को जो लगता था जियोपॉलिटिकल था कि इसको काबू करना पड़ेगा, कि ये जो पाकिस्तान से हमें तोड़ना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मेरा, क्योंकि दिमाग ऐसे सोचता, आपकी थिंकिंग कुछ भी हो सकती है, तो मैं हक में नहीं था। जो मैंने इमेजेस देखी थी कि टर्की की अम्बेसी के आगे ना हिंदुस्तानियों ने भर भर के पता नहीं क्या क्या भेजना शुरू कर दिया सामान, ये वो, इतना भी इमोशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इमोशंस मारते हैं, क्योंकि जितने आपके हाई इमोशंस हो जाएंगे ना, जब आपको सेटबैक लगेगा उतनी आप गिरोगे। मैं इसीलिए, सिर्फ इसलिए, मैं अगर मैं भी इमोशनल होता, यार वो ह्यूमन बीइंग है, हमने भर भर के देना है, ये करना है, आज ये कांड हो जाता है मेरे को, इस आज ये कांड हो गया तो मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत लोगों को हुई होगी, ठीक है। लेकिन मेरा ये सोचना नहीं है, क्योंकि मैं अमन की आशा के ना जो पंछी है, बेमतलब नहीं उड़ाता, ना मेरे को आदत है। अब आते हैं दूसरी बात पे, जैसे कि मैं तो विश्वास करता ही नहीं था, आपको पता ही है। अब है दूसरी बात, प्रशांत धवन सर ने बोला है कि, मैं इनकी बातों से कहीं से जिससे मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, प्रशांत धवन सर ने बोला है कि उन्होंने डिल्यूट सी दे दी, नो डाउट डिल्यूट सी दी है, हल्की फुल्की दी है। और प्रशांत धवन सर भी हंस रहे थे कि अभी एक दिन दो दिन चार जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और उन्होंने ये अपना कांड कर दिया। देखो भाई, सिंपल सी बात है, बात समझने की है, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ मैं आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, आप सोच सकते हो, क्योंकि भगवान ने हर एक को दिमाग दिया है। मेरा ये मानना है वो इससे हार्श दे सकते थे, अगर उन्होंने देनी थी हार्श, ठीक है। और रीजन ये था कि वो इस बात पे अटल हैं
कि वो इंडिया के, यानी कि ये कह सकते हो कि वो सेकंड पाकिस्तान नहीं है। और उन्होंने थोड़ी सी मिन्यूट इसलिए रखी है क्योंकि अगर ज्यादा हार्श करते तो इंडिया का रिप्लाई हार्श आना था और दुनिया ने कहना था कि यार ये कैसे बंदे हैं एहसान फरामोश, तो उन्होंने म्यूट अपना थोड़ा सा अपने को नीचे ही रखा थोड़ा, लेकिन डन उन्होंने कर दिया पूरा अपना काम, उनका उनकी तरफ से पूरा डिप्लोमेटिक काम हुआ है। हार्श आप गालियां थोड़ी निकालने लग जाते, लेकिन जो उन्होंने करना था वो कांड कर दिया। तीसरी बात करते हैं, हम बोलते हैं कि चाइना के बारे में, जैसे कहते हैं कि चाइना के बारे में नहीं दे पाता, भाई ये पावर, अमेरिका के बारे में नहीं बोल पाते, ये कर नहीं कर पाते, भाई ये पावर होती है जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, आप जितनी मर्जी अपनी बीन बजा लो उनके आगे जाके, ह्यूमन जितना मर्जी खेल लो, ठीक है, जो उन्होंने करना है वो उन्होंने कर ही देना है, वो आपके हक में नहीं, वो आपने देखना है कि आपने कितनी कितनी दया दिखानी है, अगर दया दिखाई है फिर बाद में रोने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, बाद में हमारी गवर्नमेंट स्टेटमेंट देती रहे, ये करती रहे, पहले गवर्नमेंट ही ड्रामे किया गवर्नमेंट ने, इट्स ओके, उन्होंने एक चाल के जरिए जो मैं सोचता हूँ जो चाणक्य नीति के थ्रू किया, काम कर लिया, वो टेस्ट था, मैंने उस वक्त लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ये एक टेस्ट ले रही है गवर्नमेंट, ठीक है, चाणक्य नीति की तरफ भी कितना ये कितना उछलते हैं या कितना, अभी देख लेना, अभी चार छः महीने बाद एक स्टेटमेंट और आ जाएगी, अब जीवन में इससे भी हार्ड होना शुरू हो जाएंगे, जब जब ये डेज होते रहेंगे ना दूर, इनके जो हमने जो इनके लिए किया है वो जितना दूर होता जाएगा, ये एहसान फरामोश हैं, पाकिस्तानी दुनिया में सबसे ज़्यादा एहसान फरामोश कौम है ये है, और टर्की भी ऐसे ही हैं, टर्की के लोग कोई आप ये मत सोचो कि टर्की के लोग बहुत ज़्यादा वो हैं। अब आ जाते हैं चौथी या पांचवी बात जितनी भी है, मेरे को जो मैंने इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से मैं जब देखता हूँ, मैं टर्की को काफी समय से आप पता ही आपको मैं देखता रहता हूँ फॉलो करता रहता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ ना वो ये है कि पाकिस्तान तो नंबर वन नहीं है, ठीक है, इनके भी हम पीपल टू पीपल करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो आप सोचते हो ना कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट करके हम इनकी इनका सरकार का स्टांस चेंज कर देंगे या इनका, क्योंकि जो ऊपर वाले सिनेरियो होते हैं ना वो इमोशंस नहीं चलते, वो रो रहे हैं जफ्फियाँ डाल रहे हैं, मैंने कई पोस्टर देखे हैं कि उन्होंने अपने एयरपोर्ट पे लिखा हुआ था धन्यवाद दोस्ती के लिए, जो भी जब डिपार्चर हो रहे थे हमारे यहाँ पे इंडियन जो गए थे, ठीक है, वहाँ पे हेल्प करने के लिए, तो उनके लिए ये किया वो किया, ये सब ड्रामेबाजी है, ये उस टाइम तक के लिए है, क्योंकि ये कौमें ऐसी हैं, ये कौमें ऐसी हैं कि एहसान फरामोश हैं, ये सिर्फ उस टाइम तक के लिए होता है क्योंकि उस टाइम मतलब था इनको, उसके बाद ये मतलब इन्होंने पूरा हो गया इनका, ड्रामेबाजी कर ली, अब ये स्टांस वही लेंगे। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करके क्या कर लोगे आप, कॉन्टैक्ट करके क्या कर लोगे उनके साथ, कुछ नहीं, जो उनकी सरकार का स्टांस रहेगा वो चेंज नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे लोग, आपने इतना भी कोई एहसान नहीं कर दिया उनके ऊपर कि वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर बोलना शुरू कर दें, आपने कोई मेरे को इस न्यूज़ के बाद आपने कोई उनके चैनल से या किसी से देखा है जहाँ उनके एनालिस्ट ने बोला हो, जहाँ टर्की के, मैंने सर्च करने की कोशिश की, मेरे को नहीं मिला, अगर आपको मिला तो बता देना, जहाँ उनके लोगों ने किसी ने बोला हो कि यार ये हम कश्मीर के यूएन पे गलत बोला है, ये बोला है, हमने नहीं बोला चाहिए, इंडिया तो हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं, जीरो। तो ये बातें ध्यान में रखो, ये कोई होता नहीं है, हाँ पीपल टू पीपल ठीक है, उनके वो टेररिस्ट नहीं फैलाते हैं, लेकिन वो तो उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हुए हैं कि हम फुल सपोर्ट करेंगे, अगर ये बंदे भी भेजने पड़े, फंडिंग भी करनी पड़े, तो कश्मीर में वो करेंगे, वो उनका स्टांस है, ठीक है, हमें नहीं समझ आता, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को इतना समझ आ गया होगा कि ये सुधरेंगे नहीं, ये पाकिस्तानियों की तरह है। अब देखो पाकिस्तान में जितना मर्जी आप पीपल टू पीपल कर लो, आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर लो, इनका जो स्टांस है कश्मीर पे वो सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम, आप ऐसा मान लो कि वो स्टांस सेम टू सेम जो टर्की का भी वही है जो पाकिस्तान का है, आप इस बात को मेरी याद रखना, जो पाकिस्तान स्टांस ले रहा है ना, जो पाकिस्तान की सोच है या पाकिस्तान का एजेंडा है कश्मीर को लेके, वो सेम टू सेम एजेंडा उनका है टर्की का। और मैं आपको ये भी बात बताता हूँ, हमारा तो लिंक नहीं ना होता ज़्यादा टर्की के साथ, लेकिन जहाँ तक मैंने एनालाइज किया, जहाँ तक मैंने टर्की के लोगों को देखा, वो इंडिया के लोगों को अच्छा नहीं समझते ज़्यादा, मैं याद नहीं कर रहा हूँ रियलिटी, आप एक पाकिस्तानी खड़ा कर दोगे उनके सामने, एक इंडिया को खड़ा कर दोगे बंदे को,
ठीक है, वो बंदे पाकिस्तानी को उंगली रख लेंगे कि ये ज़्यादा बेस्ट है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ आपको। हमारे एक तो लैंग्वेज बैरियर है, हमारे उनके यूट्यूब हम देखते नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने एनालिस किया ये 110% श्योर है। आप एक पाकिस्तानी को खड़ा करो, एक हिंदुस्तानी को खड़ा करो और टर्की को बोलो कि कौन सा इनमें से कौन सा चूज करोगे, पाकिस्तान चूज करेंगे, जितना मर्जी कर लो। और अब आपको चाइना में भी यही बार फर्क बता देता हूँ, क्योंकि मेरा तो जैसे मेजर गौरव सर कहते हैं हमारा काम है एनालाइज करना, देखना, ठीक है, अपनी सोच बताना, बाकी आपका दिमाग है सोचना। मैं चाइना के बारे में बता देता हूँ लोगों को, एक पाकिस्तान का खड़ा कर लो, एक चाइनीज बंदा खड़ा कर लो, वो पाकिस्तान के बंदे भी उंगली रखेंगे कि ये अच्छे लोग हैं, इंडिया अच्छा नहीं है। ये आप जितना मर्जी कर लो यार, ये जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ें डाली गई हैं ना, वो नहीं होंगी। हाँ, थोड़ी बहुत ही सॉफ्ट पावर 100 लोगों में होगी, 50 लोगों में होगी, लेकिन 1% को आप तुर्की के बंदों को कर सकोगे ऐसी बातें करके। आपको कड़ा स्टांस लेना ही पड़ेगा। अब आपको मेरे को तो समझ आ गई है भाई इस बात की भी। आप कह रहे हो कि ये तो एक ही हो, एक नहीं हुआ भाई, इनकी जितने भी आप स्टेटमेंट निकाल के देखोगे, तुर्की ने हमेशा, तुर्की के लोगों ने हमेशा आपके खिलाफ ही लिया है फैसला। ये दो चार करके उनके भूचाल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये हम सोचते हैं, हमारा दिल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अपने बारे में बहुत सोचते हैं। उन तुर्की के दिमाग में अब भी है कि मुझे कैप्चर करना है दुनिया, उनका भी यही है कि पूरी दुनिया मुसलमान होनी चाहिए तभी ये कर सकते हैं। उनको पूरी दुनिया को मुसलमान करना, तुर्की के भी यही लोगों का है। तो बस मेरा तो ये कहना है कि आज भी मैं बिलीव नहीं करता था, कल भी बिलीव नहीं करता, और आगे भी मैं तुर्की पे बिलीव नहीं करूंगा। आप जितना मर्जी हो, बाकी आपका दिमाग है भाई, मेरा काम है, मैंने अपनी सोच आपकी तरफ रखी है, आपकी सोच कमेंट में देखूंगा। और कमेंट में आजकल कम देख पा रहा हूँ, आपको बता दिया, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हो रहा है और मेरे, आपको पता ही है मेरा बिजनेस है, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहना पड़ता है। और भी मेरे कई काम हैं जो मैं ऐसे ओपनली नहीं बता रहा, क्योंकि ऐसे ही मैं क्यों सारा कुछ करूं। लेकिन मेरा इस मंथ में बहुत ज़्यादा बिजी हूं, इसलिए वीडियो शायद थोड़ी बहुत ही कम आए, एक आधा दो दिन लेट हो जाएं, तो उसके लिए मैं फिर आपसे एक बार माफ़ी मांग रहा हूं। साथ मत छोड़ना भाई, ठीक है, आपका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, मैं आपके लिए बहुत सोचता रहता हूं हर टाइम, मैं यही कहता रहता हूं कब कैसे करूं। तो प्लीज़ आप भी मेरा साथ दीजिएगा। तो ये है मेरी सोच भाई इस पे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, जब मेरा एनालिस कैसे लगेगा, वो कमेंट करके बता दीजिएगा, मेरे को पता चल जाएगा। प्लीज़, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये एक सोच है, एक अपना होता प्रोस्पेक्ट बताना होता है, जो मेरा प्रोस्पेक्ट है वो मैंने आपके समक्ष रखा है, बाकी आपका प्रोस्पेक्ट मैं कमेंटों के जरिए देख लूँगा। तो यहाँ तक थी वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ इस भाई का, ठीक है, हौसला बढ़ाओ, ताकि मैं और वीडियो लेके आऊँ और अपना विचार बता सकूँ, आपके विचार सुन सकूँ, क्योंकि आपस में विचारों का आदान प्रदान से ही हम अपने देश को एक अच्छा बना सकते हैं डिबेट करके। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।